सब्सक्राइब कीजिए अबेदास किचन को और रेगुलर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रुस्केटा। ये एक इटालियन रेसिपी है, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आप इसे घर पे कभी भी बना सकते हैं। आप इसे बच्चों के लिए बनाएं या पार्टीज़ वगैरह के लिए एज अ स्टार्टर्स आप इसे बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, तो चलिए बिना किसी देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लेंगे हम दो मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए बिना दाने के, 3 टेबलस्पून फाइनली चॉप प्याज, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप लहसुन और कुछ बेजल के पत्ते, ब्लैक पेपर क्रश्ड 1/2 टीस्पून, इटालियन सीजनिंग 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार और ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब लेते हैं हम ब्रेड। जनरली इस रेसिपी के लिए यूज़ होता है बगेट, जो एक हार्ड क्रस्ट ब्रेड होता है, पर अगर आपके पास वो नहीं है तो आप फ्रेंच लोफ भी यूज़ कर सकते हैं। उसे ऐसे स्लाइस कर लें। अब इसमें लगाएंगे हम ऑलिव ऑयल। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है। उसमें 1 टीस्पून लहसुन काट के रखा है। इसे कम से कम मैंने 15 से 20 मिनट भिगो के रखा था। अब उसी ऑयल को हम ऐसे ब्रेड स्लाइसिस पर लगाएंगे। हम इसके दोनों साइड्स पर ऑयल लगाएंगे। अभी मैंने दोनों साइड्स पे ऑयल लगा लिया है। अब हम इसे एक ग्रिल पैन के ऊपर रखेंगे। ग्रिल पैन को पहले गरम कर लें और उसके ऊपर ऐसे ब्रेड स्लाइसेस को हम रख लेंगे। अब कम से कम इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए धीमी मध्यम आंच पे ग्रिल होने देंगे। जब एक तरफ हो जाए तब इसे हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी 1 से 2 मिनट धीमी मध्यम आँच पर इसे ग्रिल होने दें। अब ये हो गया है, दोनों तरफ से अच्छे से ग्रिल हो गया है। अब इसे हम पैन से रिमूव कर लेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे हम टॉपिंग और ऐसे ही सारे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर हमें टॉपिंग रखनी है और हमारा ब्रुस्केटा बिल्कुल रेडी है। देखा आपने कितना आसान था इसे बनाना। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएँ कि आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी। और आप सभी को अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। डू टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।